रेलवे की पुलिस मुसाफिरों को सुरक्षा नहीं देती बल्कि घूस न मिलने पर उनकी जान ले लेती है। ये खौफनाक सच सामने आया यूपी के कासगंज में, जहां रेलवे पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय स्तर के एक खिलाड़ी को चलती ट्रेन से महज इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसने रेलवे पुलिस वालों को 200 रुपए की घूस नहीं दी। तलवारबाजी में चैंपियन होशियार सिंह नाम के उस खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस ने मारे और नीचे गिरा दिया, ट्रेन चालू कर दी। रेलवे की पुलिस कातिल है। 200 रुपए दो, बातें करने देंगे। घूस के लिए चैंपियन का कत्ल। खिलाड़ी बच्चा था मेरा, बहुत भद्र राष्ट्र। सिर्फ 200 रुपए के लिए करी से करी सजा मिले। मैं तो कह रहा हूँ फांसी के बंदे पे। तलवारबाज को चलती ट्रेन से फेंका। रेलवे पुलिस की दरिंदगी से तड़प रहा है मथुरा का ये परिवार। रेलवे पुलिस की दरिंदगी ने इस परिवार ही नहीं देश के एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। परिवार वालों के मुताबिक होशियार सिंह तलवारबाजी का चैंपियन राष्ट्रीय खिलाड़ी था। उसके साथ पूरा परिवार कासगंज से मथुरा लौट रहा था, लेकिन घर लौटी होशियार सिंह की लाश, क्योंकि महज 200 रुपए की घूस न मिलने पर रेलवे पुलिस के जवानों ने होशियार सिंह को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और बेटा क्या था, पूछने लगे कि 200 रुपए दो, बातें करने देंगे। इतनी देर में 200 रुपए हमने, जब तक तक तो होशियार पुलिस ने धक्का मारे और नीचे गिरा दिया और ट्रेन चालू कर दी। मेरे बच्चा ट्रेन से मौत हो गई। होशियार की पत्नी ने बताया कि वो लोग अपने 7 महीने के मासूम बेटे का मुंडन कराकर कासगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहे थे। बच्चे के साथ वो महिला कोच में बैठी थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मोबाइल फोन के जरिए दूसरे डिब्बे में बैठे अपने पति होशियार सिंह को बताया। बीमार पत्नी की मदद के लिए होशियार महिला डिब्बे में आया तो रेलवे पुलिस के जवान उससे महिला डिब्बे में चढ़ने के एवज में 200 रुपए की घूस मांगने लगे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने उनको फोन करके बुलाया था लेडीज डब्बे में, वो मुझसे बात ही कर रहे थे। जी आर पुलिस आ गई, उन लोगों ने कहा तो इस डब्बे में क्या कर रहा है। होशियार सिंह ने पत्नी की बीमारी का हवाला दिया। अपने राष्ट्रीय खिलाड़ी और तलवारबाजी में देश के लिए कांस्य पदक तक जीतने का हवाला दिया, लेकिन रिश्वतखोर रेलवे पुलिस ने एक न सुनी और सिकंदराव इलाके के पास उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। जी उन्होंने काफी रेफरेंस दिया कि मैं एक प्लेयर हूँ, मुझे आप इतना मोहलत दे दिए कि आगे मुरसान स्टेशन पर उतर जाऊंगा, लेकिन वो अपनी अवैध पैसे की वजह से, अवैध वसूली की वजह से उन्होंने एक बात नहीं मानी और उसकी इरादत पूर्व हत्या कर दी गई। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों सिपाहियों कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके परिवार को सभी शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोनों सिपाही जीआरपी के दोनों सिपाहियों को सख्त से सख्त सजा मिले। रेलवे पुलिस की दरिंदगी की भेंट चढ़ा होशियार सिंह परिवार में कमाई करने वाला इकलौता शख्स था। इतना ही नहीं, तलवारबाजी में वो देश के लिए भी उम्मीद की बड़ी रोशनी था। होशियार सिंह मेरे पास सन 2002 से ट्रेनिंग कर रहा है। 2005 में होशियार सिंह ने कालीकट यूथ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था उत्तर प्रदेश को, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वो जनपद का, प्रदेश का और देश का वो हॉनर खिलाड़ी है। वो आगे चल के निश्चित ही हमारे देश को पदक देता, प्रदेश को लगातार अच्छे पदक देता। कासगंज रेलवे पुलिस ने फिलहाल गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार की मांग है कि होशियार की हत्या का मुकदमा दर्ज हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। आज तक ब्यूरो।